तो अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी भारत और श्रीलंका के साथ एशिया कप सुपर फोर स्टेज का एक मुकाबला हुआ जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को हार मिली। अफगानिस्तान की टीम तो इस एशिया कप से बाहर हो चुकी है लेकिन भारतीय टीम अभी भी इस एशिया कप में जीवित है। भारतीय टीम अभी भी एशिया कप फाइनल में पहुंच सकती है। आखिरकार क्या है भारत का एशिया कप फाइनल में पहुंचने का पूरा समीकरण, ये सब जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे उससे पहले आप रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से किसको बेहतरीन कप्तान मानते हैं, इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले पर भारत की टीम बेहद निर्भर थी। दरअसल इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम को 130 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसको प्राप्त करने के लिए आई पाकिस्तान की टीम लगभग इस मुकाबले में हार गई थी। लेकिन फिर अंतिम मुकाबले में अंतिम ओवर में नसीम शाह ने लगातार दो छक्के जड़कर पाकिस्तान की टीम को जीत दिला दी। इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम अब फाइनल में पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान की टीम इससे कब से बाहर हो चुकी है, तो वहीं भारत की टीम भी इस पर निर्भर थी और अब भारत की टीम भी इस एशिया कप से बाहर हो चुकी है। लेकिन भारतीय टीम इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 में धमाल मचाने वाली है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सभी विस्फोटक खिलाड़ी वापसी करने वाले हैं।